हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज एक नए दिन की शुरुआत हो गई है आप सबके साथ। और आज है रक्षाबंधन का दिन और मेरी मुर्गियां पीछे चिल्ला रही हैं। अभी मैं जा रहा हूं मछली तालाब देखने के लिए, क्योंकि दो दिन बहुत बारिश हुई थी पहाड़ों में। तो देखते हैं आज कितना भर गया है तालाब का पानी। और पीछे मुर्गियाँ आवाज़ कर रही हैं, तो पानी तो फुल लेवल हो गया, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा रह गया है वो किनारे पे, तो फुल भर गया है। तो इससे होगा क्या, मछलियाँ बाहर निकल सकती हैं। तो अभी थोड़ी देर में ये पानी कम करना होगा। और इस वाले तालाब में भी पानी फुल हो गया है, वो देख सकते हैं। इस किनारे से पानी बाहर निकलने वाला है, शायद वहाँ से निकल भी रहा है, तो पानी कम करना पड़ेगा। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या कर रखा है। सबसे पहले तो मछली पालन, उसके बाद आगे और मिलाते हैं क्या क्या मैंने रखे हुए हैं और कैसे कैसे दिनचर्या बीत जाती है इन सब के साथ। तो अभी मिलाता हूँ आप सभी को। और बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है, टाइम नहीं मिल पाता, आजकल थोड़ा बिजी हैं। क्योंकि जो ये फिश पाउंड है इसको नया बनाना है, ये टूट जा रहा है बार बार बारिश ज़्यादा होने की वजह से। तो अब इसको सीमेंटेड बनाने की तैयारी चल रही है, उसी के लिए पत्थर वगैरह निकाले जा रहे हैं। और ये हमारे जो ककड़ी की बेल है, इस साइड में ऊपर देख सकते हैं, इस पर ककड़ियाँ अब समाप्त होने के कगार पर आ गए हैं। चलो आज आपको मिलाते हैं, हमारे घर में दो नए मेहमान आ रखे हैं, उन दो नए मेहमानों को मिलाते हैं आपको। वो दो नए मेहमान हैं ये देखिए, एक मेहमान ये है और एक मेहमान है ये, टिंकू राजा। और ये टिंकू राजा, वो एक बछड़ा ये है। और ये हमारी गाय है, वो हमारा भैंस, और ये उसर एक भैंस अभी हमने बेच दी है। और ये मेरे मुर्गी के छोटे बच्चे हैं, देख सकते हैं, ये हैं मुर्गी के छोटे वाले बच्चे। इनको इस टोकरी के अंदर रखा गया है, क्योंकि बड़े मुर्गियाँ भी इनको घायल कर देती हैं। और ये है हमारा गौशाला, गौशाला के अंदर भी आपको दिखाते हैं। ये हमारी बकरियाँ हैं, ये देख सकते हैं बकरियाँ और बकरियाँ हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये छोटे चूजों का रात में रहने वाला मैंने यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ बड़े वाले मुर्गियाँ। और आजकल पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा देखिए कैसे हो रखा है, एकदम हरा भरा सा। और यहाँ है हमारी बड़ी मुर्गियाँ इसके अंदर, तो ये मेरी मुर्गियां हैं देख सकते हैं बड़ी वाली। और ये काली वाली कुरकुरा रही है, शायद क्या पता इसने अंडा दिया हो अंदर। तो ये देख सकते हैं रास्ते में कैसे आ जाते हैं। मैंने इनके अंडे देने के लिए जो व्यवस्था कर रखी है, अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने एक पेटी रखी हुई है, ये देख सकते, एक ऊपर भी बनाया हुआ अंडा देने वाला, ये देखिए। और ये मैंने इनके अंडे देने के लिए व्यवस्था कर रखी है, मगर अभी तो शायद इसने अंडा नहीं दिया है, नहीं तो ये इसमें बैठ के अंडा दे देती है आराम से। और यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं। और ये देखें अभी यहाँ आ गई है, कहीं इसने अंडा दिया हो और कोई इसके अंडे को खा गया हो सकता है, मगर ये मुर्गी भागे भागे तो आ रही है, शायद अंडा देने के मूड में हो। तो देख सकते हैं बाबा, ये अभी ये वाली मुर्गी हमारा अंडा देती है, ये भी खोदना स्टार्ट कर ली है। और ये रात्रि में सारे इसी के अंदर रहते हैं, जहाँ अभी ये आ गए हैं देख सकते हैं, अभी सारे यहीं आ गए हैं, मगर रात में ये जो मैंने व्यवस्था बना रखी है लकड़ी की, यहीं ये रहते हैं सारे। ये देखिए ये मुर्गी यहाँ आ गई है, शायद क्या पता थोड़ी देर में उसके अंदर बैठ जाए, तो हम थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं।
ये देख सकते हैं ये मुर्गी और वो चली गई है। आप देखिए उसके अंदर वो चली गई है, शायद क्या पता थोड़ी देर में अंडा दे दे, क्योंकि वो कुरकुरा रही थी काफ़ी देर से। तो अभी मैंने इनको फीड दे रखा है, मार्केट में जो फीड आता है, क्योंकि ये अंडे के पर्पज़ से इनको फीड देना पड़ता है, तभी ये अंडे देते हैं। और अभी जो हमारी काली वाली मुर्गी कुरकुरा रही थी वो चली गई अंदर, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, और वो वहाँ बैठने की तैयारी पे है जो मैंने आपको बताया था टोकरियों। और अब मैं अपनी बकरियों को लेके आ गया हूँ जंगल में, ग्वाला और गाय भैंस नीचे हैं, बकरियों को अभी यहाँ चरा रहे हैं। तो ऐसे ही मेरी दिनचर्या चले जाती है, मुर्गी बकरे छोटे चूजे बड़े चूजे मछलियाँ वगैरह देखते देखते। तो कैसी लगे मेरी वीडियो, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।